हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ इंटरलॉकिंग डिजाइन। इसको आप जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, लेडीज कार्डिगन में डाल सकते हैं। इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 90 फंदे डाल लिए हैं और इस डिजाइन के लिए मैंने 10 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। इस डिजाइन को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आप 8 फंदों की भी डाल सकते हैं और 6 की भी। तो देखिए, यहाँ पे मैं 10 की डाल रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं एक फंदा सीधा बुनूंगी, ऐसे भूल को अपने तरफ एक उल्टा। ये देखिए, दो फंदे बनाने के बाद हम सिलाई पलट लेंगे। ये देखिए, भूल को इधर करेंगे, इधर से जो फंदा जैसा है वैसा ही बुनूंगी, भूल को अपने तरफ उल्टा वाला उल्टा, और फिर से पलट लूंगी। ये देखिए, जो सीधा है उसको हम सीधा बुनेंगे, ऐसे भूल को अपने तरफ करेंगे, और देखिए एक फंदा उल्टा। अब देखिए, यहाँ से हम तीसरा फंदा लेंगे तो भूल को पीछे करेंगे, यहाँ पे उल्टा फंदा है तो एक फंदा सीधा। ये देखिए, भूल को सिलाई पलट लेंगे और उल्टा वाला उल्टा, भूल को इधर करेंगे, सीधा वाला सीधा, भूल को अपने तरफ एक फंदा उल्टा, जो जैसा है यहाँ पे। अब देखिए, हमारे पास तीन फंदे हो गए, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक वापस सीधा। ये देखिए, अब देखिए हम यहाँ पे चौथा फंदा लेंगे तो भूल अपने तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा ले लेंगे, भूल को पीछे करेंगे और यहाँ से सिलाई पलट लेंगे। अब इधर करेंगे तो यहाँ पे एक फंदा इधर से सीधा बुना, भूल को अपने तरफ एक उल्टा और एक सीधा, भूल को अपने तरफ एक उल्टा। वापस देखिए, यहाँ से ये देखिए, एक सीधा, भूल अपने तरफ एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। ये देखिए, चार फंदे हमारे पास हो गए थे। पांचवा फंदा लूंगी मैं तो भूल को पीछे करूंगी और एक फंदा यहाँ पे सीधा बनाऊंगी। ये देखिए, जैसे ये बने हैं उसी तरीके से यहाँ पे हमें लेने हैं फंदे। आप देखिए, यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुनूंगी और एक सीधा, वापस भूल अपने तरफ एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे। आप देखिए, यहाँ सिलाई पलट ली मैंने, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। आप देखिए, यहाँ से हमारे पास ये पांच फंदे हैं, छठवां फंदा लूंगी, यहाँ पे एक उल्टा सीधा है हमारे पास, तो एक हम यहाँ पे फंदा लेंगे, वो उल्टा बुनेंगे। यहीं से आप पलट लेंगे, ये देखिए, एक यहाँ से उल्टे तरफ से सीधा बुना, एक उल्टा। अब जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुनते जाएंगे और ये मैं रिपीट 10 फंदों तक करूंगी। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, वापस देखिए, यहाँ से एक सीधा, भूल अपने तरफ उल्टा, दो, तीन, चार, पाँच और छः। ये देखिए, छः फंदों तक हम आ गए हैं यहाँ पे। आप देखिए, सातवां फंदा लूंगी तो मैं यहाँ पे सीधा, ऐसे, ये देखिए इस तरह से। अब एक यहाँ पे उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, यहाँ पे मैं 10 फंदों तक इसी को रिपीट करते जाऊंगी। ये देखिए, तीन, चार, पांच, छः, सात, भूल को अपने तरफ करेंगे, एक फंदा आगे से लेंगे, आठ। ये देखिए, यहीं से पलट लेंगे और देखिए, यहाँ पे एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए ऐसे।
ये देखिए, अब यहाँ से जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुनते जाएंगे, एक उल्टा एक सीधा पूरी रो, ये वाली जहाँ तक ये फंदे बनाए हैं हमने। अब देखिए ऐसे, यहाँ पे ये उल्टा फंदा है हमारे पास, तो जब हम एक फंदा आगे से लेंगे तो हम सीधा लेंगे। और देखिए 2 4 6 8 ये नौवां फंदा है हमारा, ऐसे। अब यहीं से हम पलट लेंगे सिलाई को। अब देखिए एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए इसको आगे तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब यहां से भूल अपने तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 ये देखिए 9 फंदे मैंने ले लिए। अब एक यहां पे 10वां फंदा उल्टा, ये देखिए। अब यहीं से हम पलट लेंगे इसको ऐसे, और देखिए भूल को इधर करेंगे, जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुन के यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये देखिए, अब यहां से हम फिर से पलट लेंगे और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये देखिए। अब देखिए ये एक डिजाइन ऐसे बनके कंप्लीट हो गई। अब हम इसी पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे, ये देखिए। अब हम यहाँ से देखिए, जैसे मैंने एक फंदा यहाँ से सीधा लिया था एक उल्टा, तो यहाँ से भूल को हम इधर करेंगे और देखिए यहाँ पे एक फंदा ये सीधा और एक उल्टा, दो फंदे लिए मैंने, सिलाई यहीं से पलट ली और देखिए यहाँ पे एक ऐसे बुना एक उल्टा बुन लिया। ये देखिए इनमें 10 में कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। अब हम देखिए यहाँ से फिर से ये चीज मैं रिपीट करूंगी, 10 फंदों तक एक सीधा भूल अपने तरफ एक उल्टा, और देखिए यहाँ पे उल्टा है तो एक फंदा हम आगे से ले लेंगे तो हमारे पास 3 फंदे हो गए। आप देखिए इसी तरीके से मैं पूरी रो में यही डिजाइन डालते हुए जाऊंगी। जब मैं ये डाल लूंगी फिर मैं दिखाऊंगी, ये देखिए 3 हो गए, उसके बाद ये रो कंप्लीट कर लूंगी, फिर एक और बढ़ाऊंगी इधर से। तो ऐसे ही जैसे मैंने ये बनाया है इसी तरीके से बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी डिजाइन बना के ऐसे कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ से हम इसको पलट लेंगे और मैंने ये सेकंड कलर ऐड कर लिया। अब देखिए यहाँ से इस तरह से ये ऐसे आ रहे हैं गैपिंग, तो यहाँ से अब ऐसे देखिए मैं 2 फंदे सीधे बुनूंगी, ये देखिए 1 और 2, 2 बनाने के बाद इसको हम पलट लेंगे। अब ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे इधर से, ये देखिए फिर से पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, ये फंदा बढ़ गया, उसके बाद ये देखिए इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पे ये 10 फंदे जो हैं इनमें से ऐसे 2 का 1, ये देखिए ऐसे, उसके बाद फिर से पलट लेंगे और यहाँ से हम 1 2 3 ऐसे उल्टा बना लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ाऊंगी मैं, जो फंदे घट रहे हैं वो बराबर होते जाएंगे, 10 के 10 फंदे होंगे, ये देखिए इस फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 कर देंगे, ये देखिए, और फिर से पलट लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 चार उल्टे। अब देखिए यहाँ से ऐसे एक फिर से बढ़ाएंगे, एक फंदे से 2 फंदे, ये देखिए ये 3 4
इस फंदे को पलट के ऐसे सीधा कर लेंगे और इस फंदे के साथ ऐसे बुन देंगे, तो एक फंदा ये 10 में से कम हो गया। और यहाँ से ही फिर से पलट लेंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4 और 5, ये देखिए ऐसे। अब फिर से पलट लिया, अब यहाँ से फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, देखिए 2, 3, 4, 5। इस फंदे को ऐसे कर लेंगे सीधा और यहाँ से देखिए एक फंदा इधर से ले लिया ऐसे, 2 का 1 कर दिया, यहीं से वापस फिर से पलट लिया, ये देखिए आप देखिए यहाँ से फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से, 2, 3, 4, 5, 6 और इस फंदे के साथ पलट के 2 का 1, ये देखिए। अब यहीं से वापस फिर से पलट लेंगे, ये देखिए यहाँ से। अब देखिए एक फंदा फिर से मैं बढ़ाऊंगी, 1 फंदे से 2 फंदे, 1 और 1 बार ऐसे बुनेंगे, तो 1 फंदे से 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और जो 8वां फंदा है उसे पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पे 2 का 1 ऐसे। अब फिर से पलट लेंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए यहाँ से फिर से हम 1 फंदे से 2 फंदे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए इस फंदे के साथ ऐसे, ये देखिए फिर से पलट लेंगे इसको और यहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए एक फंदा यहाँ पे फिर से बढ़ा लूंगी, 1, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और देखिए इस फंदे को इसके साथ बना देंगे तो ये हमारे पास देखिए 10 फंदे हो गए और ये डिजाइन यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो गए। आप देखिए यहाँ से जो गैफिंग है इसमें से हम फंदे उठाएंगे, तो यहाँ पे 10 फंदे की हमने ये डिजाइन डाली है, तो 10 ही फंदे मुझे उठाने हैं यहाँ से, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और देखिए 1 यहाँ से 10। आप देखिए अब मैं इन्हीं 10 फंदों को पलट के पहले बुन लूंगी, यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये देखिए इन 10 फंदों को अभी मैं कुछ नहीं करूंगी, यहीं से वापस इसको पलट लूंगी और देखिए यहाँ से अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए इन 10 फंदों में से 1-1 फंदा मैं घटाऊंगी इस फंदे के साथ ऐसे, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए इस तरह से यहीं से पलट लिया और इन्हीं फंदों को बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैं 10 फंदे ये बुन लिए। इसके बाद यहीं से पलट के इसको सीधा बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6,
सात, आठ, नौ, नौ बनाए और ये दसवां फंदा इस फंदे के साथ ऐसे, दो का एक इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। आप देखिए इन सभी फंदों को मैं एक एक करके इसमें बना लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये फंदे ऐसे घटा दिए, 10 फंदे हमारे पास हो गए। अब देखिए इसमें से हम फिर से 10 फंदे उठाएंगे और उसके बाद एक एक फंदा इसके साथ घटाएंगे, फिर अगले में से ऐसे ही ये पूरी रो बना लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन बना के मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर ली। अब देखिए पलट लेंगे और गिरे वाले धागे को यहाँ से मैंने कट कर दिया और इसमें उल्टे तरफ से ज्वाइंट कर लिया। अब देखिए यहाँ से दो फंदे मैं बुनूंगी ग्रे कलर से, एक दो, फिर से पलट लूंगी और ये दो फंदे ऐसे सीधे, ये देखिए फिर से यहां से पलट लिया। अब देखिए एक फंदा आगे से लूंगी, दो ये हमारे पास हैं, एक आगे से ऐसे, तीन हो गए, यहीं से पलट लेंगे। ऐसे एक दो तीन, एक आगे से ले लूंगी तो ये चार हो गए, ऐसे ये देखिए इस तरह से ये पूरा, एक दो तीन चार, एक आगे से पांच, वापस देखिए पलट लिया और देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच, फिर से पलट लिया, एक दो तीन चार पांच और एक आगे से ले लेंगे छः, उसके बाद यहां से सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए आप देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच छः सात, वापस इसको फिर से पलट लेंगे और देखिए यहां से ऐसे सीधा बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से, देखिए यहां से सीधा ये पूरा ऐसे आ जाएगा। एक दो तीन चार पांच छः सात और एक आगे से आठ, यहीं से फिर से पलट लिया और इधर से सीधा बुने, ये देखिए ये 10 फंदों तक हमें ऐसे ही बनाना है यहाँ तक, क्योंकि 10 फंदे की डिजाइन है। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और देखिए दस, ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे डिजाइन आ गई। अब देखिए ये वाली गैपिंग में हम फंदे उठाएंगे, तो यहाँ पे मैंने देखिए एक उल्टा एक सीधा बनाया, यहाँ पे मैं सीधा सीधा बना रही हूँ, तो यहाँ से हम इसमें ऐसे फंदे उठाएंगे इस साइड से, ये देखिए एक दो तीन
चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ और देखिए यहाँ से एक दस। ये देखिए ऐसे मैंने ये दस फंदे यहाँ पे उठा लिए। उसके बाद देखिए अब हम ये देखिए यहाँ से अब हम इन्हीं फंदों को बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस। ये देखिए यहाँ तक ये दस ले लिए मैंने। दस को इनको अभी कुछ नहीं करेंगे, यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और देखिए अब हम यहाँ से ये देखिए ये वाले दस फंदे हैं इसको ऊपर रख के और यहाँ से ऐसे उल्टे तरफ से ऐसे दो का एक कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ से ऐसे इस तरह से हम पूरा बुनेंगे इसको। ये देखिए आप देखिए इसी तरीके से हम ये दस फंदे घटाएंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ से दस फंदे उठाएंगे, फिर ये वाले एक एक करके घटाएंगे तो पूरा ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने इधर ये वाला बनाया था यहाँ पे इसी तरीके से आगे फिर मैं ये वाला कलर जोड़ूंगी। और देखिए इसी तरीके से मैं पूरी लंबाई कर लेती हूँ इसकी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।